नमस्कार जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूँ गार्गी तालिबानी नेता शेख रहीमुल्ला हकानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने मदरसे में आत्मघाती हमले में मारा गया है तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने शेख रहीमुल्ला हकानी के मारे जाने की की पुष्टि है करीमी ने कहा है कि ये बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि देश की बड़ी अकादमिक शख्सियत शेख रहीमुल्ला हकानी ने दुश्मन के क्रूर हमले में शहादत को गले लगा लिया है अफगानिस्तान के काबुल में एक मदरसे में गुरुवार को आत्मघाती हमला हुआ जिसमें तालिबान के ऑप कमांडर रहीमुल्ला हकानी मारा गया हकानी तालिबान के आतंकी विचारधारा का बड़ा समर्थक था इसके अलावा वो इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार था आत्मघाती हमले की जानकारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है हालांकि सूत्रों का कहना है कि हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट या रजिस्ट्रेट फोर्स का हाथ हो सकता है तालिबान की खुफिया एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है बता दें कि कमांडर हकानी पर यह तीसरा हमला था जिसमें वो मारा गया इससे पहले अक्टूबर 2020 में रहीमुल्ला पर हमला हुआ था और वो बाल बाल बच गया था साल 2013 में भी हकानी के काफिले पर हमला परों ने फायरिंग की थी उस समय पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला पर भाग गया था रहीमुल्ला हकानी पाकिस्तान की सीमा से लगे नंगरहार प्रांत का एक अफगान नागरिक था उसे हदीज साहित्य का विद्वान माना जाता था हकानी ने अफगानिस्तान के गृह मंत्री और हकानी नेटवर्क के सरगना सिराउद्दीन हकानी का गुरु माना जाता है अपने बयानों में रहीमुल्ला हमेशा चर्चाओं में बना रहता था सोशल मीडिया पर उसके लाखों समर्थक थे लोगों को जिहादी शिक्षा दी जाती है इसी मदरसे के जरिए तालिबान के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई आई भी फंड रेंज करने में मदद करती है हदीश साहित्य के विद्वान कहे जाने वाले हकानी ने अपनी धार्मिक शिक्षा पाकिस्तान के स्वभावी और अकोरा खट्टक के देवबंदी मदरसों में प्राप्त की है हकानी कभी नंगरहार प्रांत में तालिबान सैन्य आयोग के सदस्य के रूप में संबद्ध था उसने कुछ साल पहले मदरसा जुबेरी की स्थापना की जिसमें सैकड़ों छात्र और शिक्षक हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उसके कई अनुयायी रहे हैं बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स नमस्कार